एक दमी असि जे भाई बंदे हैं वो एक दम दे हैं, एक दम दे बंदे हैं हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। मोहलत कहते ने मनियाद ते सानू साड़ी जिंदगी दी मनियाद दा कोई पता नहीं खौरे कदों किस दा सद्दा आ जाना है, कदों किस दे सुहास निकल जाने ने, कदों किस दे सुहास खत्म हो जाने ने। हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत दी मनियाद दा कोई पता नहीं कदों ए मौत दा वक्त आ जाना है। ते गुरु साहिब अगली पंक्ति अंदर जिक्र करदे ने नानक बिनवै बिनवै आख्या जे बेनती प्रार्थना करनी नानक बिनवै तिसे सरेवो किनु सिमरो उस परमात्मा नु नानक बिनवै तिसे सरेवो जाके जी पराना। ओ भरियो उस प्रभु परमात्मा दा सिमरना करो भजन बंदगी करो जिसने तेनु जिंद ते इश्वास दिते हुए बख्शिश कीते हुए ने। आओ पापा अगली शब्द दी गल करिए
उठ जाएगा आज कल।
उठ जाएगा राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा राम सिमर पछताएगा मन राम सिमर भगत कबीर जी ने अपने पाप बचना के अंदर सानू उपदेश दिता है भाई ये जरा संसार है ना बहुत बड़ा जरा ये समुद्र है इस संसार के लंघन के लिए भगत कबीर जी ने कितने सुंदर सानू बचन बाणी के राही समझाना जतन भगत कबीर जी की जितनी भी बाणी है बड़ी डूंगी रमज वाली है ते साडे जिहड़े मन के कपाट खोलदी है भगत कबीर जी की जितनी भी बाणी भगत कबीर जी जिक्र करते पहले राम सिमर पछताने का मन हे मेरे माणा उस रब जी का सिमरना कर भजन बंदगी कारण बाद तेन पछताना पवेगा पर अगे जिक्र करते हैं पापी जीना लोभ करता है आज काल उठ जाएगा इस बेचारे जीव नूं यह पता नहीं साड़ी जिहड़ी ये जिंद है विषय विकारां दे लोभ दे विच फसी हुई है इनू यह पता नहीं कि अज कल दे विच जिहड़ा है साडा जिहड़ा वक्त ये जिहड़ी वारी है आउण वाली है पापी जीना लोभ करता है आज काल उठ जाएगा अज कल दे विच भलके उठ जाना इत्थों अगे जिक्र करते ने लालच लागे जन्म गवाया माया भरम भुलाया लालच के फस करके जरा सारा जरा जीवन सी इस अजाई गवा लिया माया के फसया रहा लालचा के पै गया अगे जिक्र करते ने धन जो बनता कर बना कीजै कागज ज्योगल जाएगा भगत कबीर जी जिक्र करते पे ने यह दुनिया के लोगों ये संसारी जीवो ना ते तू तेरी जवानी का माण कर ना तू तेरे धन का माण कर धन जो बनता गर्व ना कीजे धन ते जवानी की गल की है भगत कबीर जी कहते ना ते तू तेरे धन का माण कर ना तू तेरी सोहनी जवानी का माण कर कागज ज्यों गल जाए ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਧਨ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਬਨ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚੌਦਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਾਂ ਡਰਾਵਣਾ ਤਾਂ ਅਵਗੜ ਪੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
कि जिन्हां बंदियां ने मन हकूमतां कीतियां ने, मन मर्जियां कीतियां ने, हुक्म किए मन भाम दे राह भीड़े अगे जाना, उन्हां नूं अपने जीवन दे विच उस समय जिन्हां ने मन मर्जियां कीतियां, हुकूमतां कीतियां ने, उन्हां नूं औखियां घाटियां दे विचों लंघना पवेगा, राह भीड़े अगे जाना, ऐसा रस्ता होना है जिहदे विचों दी जदों लंघा के ते सानूं जिहड़ा है उस समय वो जिहड़ा समां है वो खतरनाक नजर आएगा। हुकम की मन भाव दे राह भीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना। नंगा दोजक तो भाव है कि ओदे कीते होए कलमां दा जिहड़ा लेखा जोखा है, जिहड़ी फोटो कापी है ओदे अगे रखी जानी है। ये गुरु नानक देव पातशाह जी बख्शिश करते पए ने, नंगा दोजक चालिया, नंगा दोजक तो भाव है ओदे कीते होए कर्मां दा जिहड़ा नक्शा है उस वक्त ओदे सामने रखिया जाणा है, तां दिसे खरा डरावना। कर औगण पछतावना, भाई फिर औगण करके जीवन दे विच पछतावना ही पैंदा है। ये जीवन एवें नहीं पड़िया, रोज पढ़ी जाने लहरा साहिब जी की बाणी है, गुरमुख लादा मानमुख गवाया। गुरमुख लादा मीन्स लग लिया, गुरमुख तो भाव है जिन्हों का मुख अपने गुरु वाल है, वो हैं गुरमुख, ते मानमुख जिहड़े अपने मन के पिछे तुरते हैं वो हैं मानमुख। गुरु रामदास पातशाह जी ने अपने पावन बचना के अंदर जिक्र किया, सार रसना धन धन है मेरी जिंदगी है, गुण गावे हर प्रभ केरे राम। रसना तो भाव है जी, और धन है वह मुबारकबाद है कि गुण गावे हर प्रभ केरे राम। और जीव भागा वाली है, मुबारकबाद है, धनवाद है जिड़ी उस रब जी के गुण गायन करती है। सार रसना धन धन है मेरी जिंदगी है, हे मेरी सोहनी जिंदे, जीव भागा वाली है, मुबारकबाद है, गुण गावे हर प्रभ केरे राम, जिड़ी उस परमात्मा के गुण गायन करती है, वह जीव भागा वाली है, मुबारकबाद। सतगुरु गुरबाणी के अंदर जिक्र करते हैं, जे हा चीड़ी लिखिया ते हा हुक्म कमाए। जे वो जो साडा भाई लेख लिखिया जाता है जीव है हुक्म की पालना करता है, जे हा चीड़ी लिखिया ते हा हुक्म कमाए, धले आवे नानका सदे ठीक है। जब वह सदा आ जाता है तो फिर यह जरा जीव है संसार तो उठ करके तुर जाता है। जे हा चीड़ी लिखिया ते हा हुक्म कमाए, धले आवे नानका सदे उठी जाए। गुरबाणी के पावन वचन, राणा रावना को रहे रंग ना तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे पीर। गुरु साहब गुरबाणी के लिए सब समझाने का यतन करते हैं, ना तो संसार दे विच कोई कंगाल रहा, ना कोई फकीर रहा, तो ना कोई अमीर रहा। यह मौत है ही ऐसी कहती, हर एक अपने अगे ला ले। राणा राव ना को रहे रंग ना तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदे। कोई किसी को धीरे दे देने जोगा नहीं, यह नहीं कह सकता कि तू इस संसार में सदा रहना है। गुरु नानक देव पातशाह जी पातशाह जी ने संसार को कूड़ ही न्याय दसिया, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। भले वो इस संसार दे विच किहदे नाल दोस्ती करिए ते सारा चलन हार है, कोई संसार दे विच आ रहा है ते कोई इत्थों जा रहा है। आओ आपां छोटी जी साखी कह करके नाल ही समाप्ति करांगे। दुनिया जिहड़ा चल शाहूकार होया बहुत वड्डा तनाट, सहज सिंह गुरु नानक देव पातशाह जी जगत जनन दे नूं तारदे होए लाहौर की धरती ते पहुंच जांदे ने। भाई उत्थे सतगुरां ने की देखिया कि उत्थों दे जिहड़े लोग सन ना, वह कच्चा जिहड़ा धन सी इस नूं इकट्ठा करन दे विच जुटे हुए सन, ते पुरातन रीति रिवाज अनुसार दस्सिया जांदा है कि जीत को 1,00,000 रुपया हुंदा सी ना, वह अपने चवारे ते 1 झंडा कढ दिंदा सी, 1 झंडा
ਤੇ ਜਿਹਨ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 3 ਵਾਲਾ 3 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਸਨ। ਤੇ ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਵਾਰੇ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, 7 ਝੰਡੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੂਈ ਸੂਈ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਰਨੀ ਢਹਿ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ। ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਉਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚਮਾਰੇ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ 7 ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਮਾਰੇ ਤੇ 10 ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਚੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਵੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਮੁਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸਰਲਾ ਬੇਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 84 ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਬਲਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੁਵੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਲਾਈਆਂ ਰਾਵਣ ਤਨ ਪਰਵਾਨੀ ਸਾਵਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆਈ ਤੋ ਤਨ ਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਵਸਾਇ ਕਹਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਏ ਮਨ ਸਾਵੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ
वाहे गुरु नाम
वाहिगुरु जी की फतेह।
जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अपनी ड्यूटी करके जा रहा है,
दुख च कोई नहीं है, अपने सुख सुख जब पाते हो को काबू बनाई इतने कोई भी नहीं है। सुख में आम बहुत मिल बैठत रह चंद सकेरे विपत परि सब समझाड़त को लावत ने। जो सुख होगा तो सारे आम के कहेंगे वाह जी वाह, जो दुखी चाह जाएगा तो संत कोई नहीं आएगा। लेकिन अपन है ये मुड़न जामा मिलया तो ये वास्ते नहीं, खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मामला। अज माता सरला को अपन छड़ के चली गई ते पुत्रां नूं ये पता होंदा है कि मां की होंदी है। वो मां तां चली जाए बड़ी दुख की गल है, लेकिन इत्थे कहने कि जो कुछ उस बिन सहै परो आज के काल नानक हर गुण गायब है छाड़ सगल जंजाल। इत्थे जो भी कोई आया है उन्हें सारे ने जाना है, ये भी कोई गारंटी नहीं कि कदों जाना है। मरण लिखा है मंडल में आए, पहला बच्चे जन्म लेता है लेकिन बच्चे मरण लिखाया जाता है, इन्ने दिन लई इत्थे भेज रहे हैं। माता सरना मैं थोड़ी थोड़ी याद है जब मैं एक बार कदे इत्थे आउंदा सी माता है दर्शन होए ने बड़े सुभाव गुरु महाराज दा इन्ना, लेकिन इत्थे सहन सा की गल है कि क्या जाना किवें मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहिब मनो ना विसरै सहला मरना होए। मरना सारा ने पक्की गारंटी है, मरना सारा ने ही है। रावण गुरबाणी दंदा है अत सुंदर पुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मित्र कहिए नानका जे प्रीत नाही भगवान। रावण सिर्फ सुंदर नहीं अत सुंदर कहने जो सुंदर ते भी सुंदर होवे, अत सुंदर पुलीन उच्चे घराने दा अत सुंदर पुलीन चतुर चतुर भी नगे लक्ष्मण रेखा तो भी सीता नूं लै गया। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी ज्ञान की उन्हें इन्ना सी कि राम ने खुद उसे को हवन कराया। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवान पैसा भी इन्ना सी सोने दे लंका सी। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवान मृतक कहिए नानका जे प्रीत नाही भगवान। वो मुक्ति के समान है जितेंद्र परमात्मा का प्रेम। प्रेम क्यों तीन ही पर पायो अज माता साढ़े से चली गई, उन्होंने आत्मा के कल्याण के लिए अपन सारे ने इतने अज श्री सुखमणि साहब जी जाप कराए उपरंत पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो राम कली सब भी अपन समझा लिया सारा परिवार कट्ठा कर लिया। कहने मत में पीछे कोई रोह सी सुख पूर्ण न पाया, अगर पीछे कोई आंसू बांधा है तो कदे भी उस परिवार को मूल नहीं पाता, मुड़ के भी नहीं रिश्ता टूट जाता है। तो अपन भी चाहिए है एक घड़ी आधी होते इतने मेरे सैन साहब की बयान करते हैं घर की नार बहुत हित जासो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एक आया प्रेत प्रेत कर पागी। ये तुहाडे सामने है घर की नार इन्ना प्रेम होता है मरण में भी जीवन में भी उठन बैठन सारे चीजें घर के नार बहुत हित जासो सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एक आया प्रेत प्रेत दे दो ये हंस ये काया में चल के चले जा फिर कहने बच्चे ने कहने कि एला ना बड़ी बड़ी किला घर दो कदे भूत बन के सानू ना सताए। ये हाल अपना रिश्तेदार है ते बाकी कर सकने हैं, लेकिन इस सृष्टि से जो भी कोई आया है बिने नाम दे नहीं एक घड़ी आधी घड़ी कभी साहब ने सानू समझाता है एक घड़ी आधी होते आप अगर तू थोड़ा बहुत भी सिमरन कर लेगा बिना सिमरन को छुटकारा नहीं है। ये सुखा की नगरी है पर मैंने सानू कितने कदों इन्हें धरती से आसमान चढ़ावा है चढ़े आसमान गिरावा है पता नहीं कदों इन्होंने चढ़ा देना है कदों इन्होंने गिरा देना है कदों इतने सृष्टि तो इन्हें ले जाना अपने स्वासन की पूरी पूरी हो जानी है। लेकिन मान सम्मान जो करेगा उदा ही सच्चे पातशाह अपन लाह मिलेगा। तमराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएंगे हिसाब सारे ने देना है। अज बिछड़ी हुई आत्मा जिन्हों के आप दूर नेड़े तो चल के अंतिम अरदास के अति कतर हुए हैं सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों के निवासमान बख्शिश कर पिछे परिवार को भाणा मानन का बल बख्शिश कर परिवार से चढ़ती कला बख्शिश कर सुख कलेसा का नाल सुख का प्रकाश करना बुला चुका देखेवा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पहले देख वी जाएगी उपर लंगर त्यार है सारे ने प
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪੜੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਧਰ ਰਸਾਂ ਪਕੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਸੋਨਿਹਾਰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕ।